हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर नरेश भाटी, डायरेक्टर ऑफ वेल केयर ओवरसीज एजुकेशन. डियर स्टूडेंट और फ्रेंड्स और पेरेंट्स, दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे. आज हम कंटिन्यूएशन करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 5 क्वेश्चंस जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट या स्टूडेंट से पूछा गया था NMC को, और NMC ने उसके आंसर्स आपको पब्लिश किए हुए हैं. तो आज हम उसका कंटिन्यूएशन करेंगे और एक 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चंस के साथ हम आंसर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन डिटेल में पता हो. अगर आप MBBS अब्रॉड से पढ़ के आए हो, या बीच में छोड़ के आए हो, या आपको ट्रांसफर चाहिए, या आप न्यूली स्टार्ट करना चाहते हो, तो यू मस्ट अवेयर ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन रूल्स एंड रेगुलेशन. तो स्टार्ट करते हैं. आज 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कैन यूक्रेन रिटर्न फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रांसफर टू अदर कॉलेजेस. तो NMC का क्या कहना है इस पे? एज रिगार्ड्स फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स कवर अंडर स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस 2002, देयर इज नो क्लॉज रिगार्डिंग ट्रांसफर इन द रेगुलेशंस. एज सच देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर सो लॉन्ग एज अदर क्राइटेरिया laid down in screening text regulation 2002 are fulfilled. ये उनके लिए है जो screening test regulation 2002 act के अंदर fall करते हैं, वो student transfer ले सकते हैं. दूसरा जो NMC ने इसी में answer में बता रहा हूँ आपको, any foreign medical students whose classes were started after 18th November 2021 and covered under FMGL regulations 2021 should verify his and her undergraduate course in accordance with regulation 4 of FMGL regulations 2021. However, the entire course training and internship or clerkship shall be done in the same foreign medical institution throughout the course of study and no part of training internship shall be done from other institute, hence the transfer is not allowed. So, इसमें जो दूसरा जो है, जो आंसर मैंने आपको बताया अभी, इसमें क्या है, जो स्टूडेंट एडमिशन लिए है आफ्टर 18th नवंबर 2021 के बाद, तो उन स्टूडेंट का जो NMC का जो रूल्स रेगुलेशन है, जो FMGL रेगुलेशन पॉलिसी है जो है 2021, वो स्टूडेंट उसके अंदर फॉल करते हैं एंड वो स्टूडेंट ट्रांसफर नहीं ले सकते. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस डियर स्टूडेंट. वो स्टूडेंट ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कहीं पर रोटेशनरी इंटर्नशिप भी नहीं कर सकते हैं. उसको सेम ही यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा एंड सेम ही यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप एंड सब कुछ करना होगा. मान लो जो स्टूडेंट गए थे यूक्रेन, वापस आ गए हो एक साल या दो साल का, 18 नवंबर 2021 के बाद गए हो और एक ही साल पढ़े हो, और अगर वो ट्रांसफर लेना चाहता है तो वो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा एज पर द NMC रूल्स एंड रेगुलेशन. आपको फ्रेशली अगर स्टार्ट करना होगा दूसरी यूनिवर्सिटी से, या फिर आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, ट्रांसफर इज नॉट अलाउड. तो ये पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. दूसरा जो क्वेश्चन है, कैन ट्रांसफर बी टेकन फ्रॉम 6-year कोर्स टू 5-year कोर्स. मींस 6 साल के कोर्स से और 5 साल के कोर्स में आप ट्रांसफर ले सकते हो क्या? मतलब आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं हुआ ये सब, तो आप 5th-year वाले कोर्स में जा सकते हो क्या? यस. तो जो स्टूडेंट फॉल करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अंदर, यस, may change or transfer his and her institute university subjects to fulfill of criteria and conditions as laid down in screening test regulation 2022. So 2002 ke andar jo foreign medical graduate fall karte hai, they can take transfer from 6-year course to 5-year course as well. Fir next jo question hai, teesra jo question hai, कि इज देयर एनी NOC फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट टू अनदर फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट. सो NMC का इस पे क्या कहना है?
कि फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज आर आउटसाइड द लॉ ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, देयरफॉर द क्वेश्चंस ऑफ इश्यूएंस ऑफ एनी एनओसी बाय द कमीशन डज नॉट अराइज। मींस कोई ऐसा आपको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, ये एनएमसी का कहना है। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड द स्टूडेंट्स एंश्योर बिफोर टेकिंग ट्रांसफर और न्यू एडमिशन इन एनी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आपको ये पता होना चाहिए एज पर द एनएमसी रूल्स एंड रेगुलेशन कि अगर आप नया एडमिशन ले रहे हो या आप ट्रांसफर ले रहे हो तो आप क्या चीज पता होनी चाहिए। सो इसका एनएमसी ने क्या जवाब दिया है कि फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हुज क्लासेस वर स्टार्टेड आफ्टर 18 नवंबर 2021 आर गवर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ एफएमजीएल 2021 एंड दे मस्ट कंप्लीट द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप और क्लर्कशिप इन द सेम फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड नो पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शैल बी डन इन इंडिया और इन एनी कंट्री अदर देन कंट्री फ्रॉम वेयर द प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन इज ऑब्टेन्ड। फिर क्या बोला है एनएमसी ने, प्रायर टू टेकिंग न्यू एडमिशन इन एनी फॉरेन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी मेडिकल स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू एंश्योर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021 इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू बी फेस्ड आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। तो आपको अगर आप अगर एडमिशन लिए हो 18 नवंबर 2021 के बाद तो यू आर फॉलिंग अंडर प्रोविजन ऑफ एफएमजीएल 2021, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एडमिशन लेने से पहले ताकि आप वापस जब इंडिया आओ एंड आपको जब नेक्स्ट एग्जाम लिखना है तो आप नेक्स्ट एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल हो जाओ, आपको कोई भी इश्यू फेस करना नहीं पड़ेगा। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स और डिग्री इज 54 मंथ्स। मीन्स आपका एमबीबीएस एटलीस्ट 54 मंथ्स का एमबीबीएस आपका होना चाहिए कोर्स ड्यूरेशन, ये पहला। दूसरा जो है, एन इंटर्नशिप फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड। 54 मंथ्स के बाद एक साल का कंपल्सरी आपका इंटर्नशिप भी उसी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उसी यूनिवर्सिटी में आपका कंपल्सरी होना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन इंग्लिश। कंप्लीटली आपका जो कोर्स है एमबीबीएस का मस्ट बी टॉट इन कंप्लीटली इन इंग्लिश होना चाहिए। फोर्थ वन जो इसमें पॉइंट है, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स एज पर प्रिस्क्राइब इन द शेड्यूल वन ऑफ एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021 आर स्टडीड। जो एफएमजीएल जो रेगुलेशन जो एक्ट है 2021 का, उसमें शेड्यूल वन में आप जाके देखोगे, नहीं तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, तो वो सब्जेक्ट्स आपके मैंडेटरी स्पेसिफाइड होने चाहिए आपके कोर्स में। एंड एट लास्ट, रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी विच इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवार्डेड ग्रांट्स रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट एंड इट इज एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। मीन्स जो डॉक्टर है वहां जहां से पढ़ रहे वो कैपेबल होना चाहिए टू ट्रीट द पेशेंट, कैपेबल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द मेडिसिन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये पांच चीजें आपको मैंडेटरी रहनी चाहिए तभी आप उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लो, नहीं तो यू कैन फेस द इश्यू व्हेन यू कम बैक टू इंडिया एंड राइट योर नेक्स्ट एग्जाम। एंड लास्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, इज द मोबिलिटी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय यूक्रेन अप्रूव्ड बाय एनएमसी। जो यूक्रेन की जो यूनिवर्सिटीज है आजकल जो क्या हो रहा है, जो यूक्रेन की यूनिवर्सिटी है दे आर प्रोवाइडिंग मोबिलिटी प्रोग्राम टू स्टडी फर्दर देयर कोर्स एज यूक्रेन रशिया वार नॉट पॉसिबल टू स्टडी इन यूक्रेन। सो एनएमसी ने इस पे क्या कहा है कि एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन डज नॉट अप्रूव एनी सच प्रोग्राम।
तो दोस्तों अगर मोबिलिटी प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी दे रही है तो प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट दैट, अदरवाइज यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम व्हेन यू कम बैक टू इंडिया। तो ये सारे 5 क्वेश्चंस आज हमने फिर डिस्कस किए इस वीडियो में, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी और किसी को हेल्पफुल भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो ताकि उन स्टूडेंट्स जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रिटर्न है या जाना चाहते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।